हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबा और मैं आज आप लोगों के सामने माँ का लेकर ड्रेसेस लेके आया हूं। काल था अमावस्या, पूजा किया, प्रे भी किया आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ आपके लिए कौन से गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं एंड कौन से चेतावनी दे रहे हैं, कौन से वरदान आप लोगों को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग करने से पहले थोड़ा सा छोटा सा सूचना, जब भी आप रीडिंग देखोगे पहले ही आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा। अगर आप लोग प्राइवेट रीडिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो डेस्परेट मत होइए। ये रीडिंग में जो करता हूँ उसके पहले मेडिटेट करके ही करता हूँ, तो आप यही रीडिंग को अपना साइन मान के चलिए, प्राइवेट रीडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको लगता है, तो एक काम आप कर सकते हो कि मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी को आप सिर्फ देखते रहोगे। जब आपको दिख जाएगा कि हाँ मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए अवेलेबल हूँ तो ही आप उस टाइम पे मेरे को मैसेज करिए, टैरो बाय अनिर्बन मुखर्जी, ये है मेरे प्रोफाइल। किसी भी लिंक पे मत क्लिक कीजिए। कोई भी अगर आपको मैसेज करके बोलता है कि मैं अनिर्बन हूँ, नो, पैसा नहीं भेजने का ज़रूरत है। मैं कभी भी ऐसे काम ही नहीं करता हूँ और मैं पिछले 6-7 साल से ऐसे ही रीडिंग करता हूँ। तो प्लीज़ ये फेक रीडर से, फेक स्कैमर से बचिए, अपना पैसा, अपना हार्ड एंड मनी को सेव कीजिए। मैंने कभी भी ऐसे नहीं करता हूँ, आप मेरे रिव्यूज़ को भी देख सकते हो। तो चलिए एक चीज़ बोलना था, आई होप समझ गए हो आप। मेरे ट्विटर को भी आप फॉलो कर लीजिए, ट्विटर में मैं पोस्ट करता रहता हूँ। ट्विटर है भी सेम टैरो बाय अनिर्बन मुखर्जी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, ओम काली काली महाकाली काली के पगवाणी धर्मंत मुखर देवी नारायणी नमस्ते। इसी पर वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। माँ मैसेज दे दीजिए। पहला कार्ड, ओ माई गॉड, काला धरा। नाउ ये जो काला धरा का कार्ड है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चेंजेस, यस, खराब साइकिल बीत गया। आपके मन में मैं देख सकता हूँ कि त्याग आ रहा है। त्याग इसीलिए, जितना भोग करोगे, जितना आप काइंड ऑफ मान लीजिए ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे आनंद करोगे, उतना आप डिटैच्ड हो जाओगे अपने डिवाइन से, उतना आप डिटैच्ड हो जाओगे अपने स्वरूप से, उतना आप डिटैच्ड हो जाओगे अपने इष्ट से। तो माँ देख रहे हैं कि आप त्याग को एक्सेप्ट कर रहे हो, माँ देख रहे हैं कि आप रिलीज कर रहे हो, माँ देख रहे हैं कि आप अपने आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो काला धारा सिर्फ ये नहीं कि एक न्यू चेंजेस क्या होता है। न्यू चेंजेस जब एक फूल खिलते हैं या फिर जब सूरज उगता है, तो आप देखे आप भी देखे होंगे कि धीरे धीरे ब्राइट जैसा लग जाता है, मतलब पूरे ये धरती में चारों ओर उजाला फैल जाता है। सिमिलरली आपके कॉन्शियस माइंड यानी कि आपके जो अवचेतन मन है ये, और चेतन मन है तो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड भी एक बहुत ब्राइट शेप ले रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप आध्यात्मिक नॉलेज के अंदर जा रहे हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ रहा है, त्याग को एक्सेप्ट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, मान ले रहे हो, पुराने हैबिट्स को छोड़ दे रहे हो। एक टाइम पे जो जो चीज़ आपको लगा था सही है, अभी आपको शायद लग सकता है कि वो गलत है। एक टाइम पे जो जो पर्सन को आप लगा था कि हाँ वो बहुत सही है, हो सकता है कि वो पर्सन को आप अभी कट ऑफ कर रहे हो। एक टाइम पे जो जॉब आपको अच्छा लगता था, अभी आपको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि वो सही नहीं है। ये चेंजेस आ रहे हैं। इस टाइम में आप डिसाइड कर पाओगे कि आप कैसे हो। क्या वाकई में हो सकता है कोई चीज़ दूसरे पर्सन के लिए बहुत अच्छा, दूसरे पर्सन के लिए परफेक्ट, बट आपके लिए वो परफेक्ट नहीं है। हो सकता है आपको लोग बोल सकते हैं क्या पढ़ाई छोड़ के स्पिरिचुअलिटी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल पूछते थे, मेरे जेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। देखो ये सब छोड़ो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आप ईश्वर को कितने अच्छे से प्यार करते हो, आपको पता है कि आपके सोल पर्पस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सोल पर्पस मतलब पैसा कमाना, शादी होना, लाइफ में नेम फेम शोहरत दौलत नहीं, भगवान से मिलना, ईश्वर से मिलना, अपने धर्म को लेकर चलना, दुनिया के भला करना एंड लोगों के लिए सोचना एंड अनकंडीशनली प्रे करना, यही चेंज, यही त्याग, यही सैक्रिफाइस आप लेके आ रहे हो और अनकंडीशनली आप ग्रो कर रहे हो। लेट्स सी और क्या कार्ड्स मैं आपको दे रहे हैं, और क्या कार्ड्स आपको दे रहे हैं। काली कलमाशा नाशिनी, काली कलमाशा नाशिनी कब आता है? जब आपको अपने शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान किए हो, जब आपके लाइफ में एक के प्रॉब्लम के बाद एक, दूसरे प्रॉब्लम, तीसरे प्रॉब्लम, चौथा प्रॉब्लम आ रहा है, जब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जब आप रो रहे हो, जब अंदर से आप खोखला गए हो, जब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जब एंजाइटी हो रहे हैं, तब मैं आपको क्या बोल रहे हैं, मैं हूँ ना,
मैं आपके माँ आपके पाप को निगल जाएंगे, माँ आपके अंदर के नेगेटिविटी को खा लेंगे, माँ आपको शुद्ध कर देंगे, माँ आपको रिलीज कर देंगे, माँ आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आएंगे। ये कैसे हो सकता है? आप बोलोगे कि दादा ये क्या ऑटोमेटिक होगा? नो, ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है। देखो आपके जो ये जन्म है, ये जन्म आप सिलेक्ट किए हो, आपके माता पिता नहीं। आपके जो सोल पर्पस है ये आपका है। ढूंढो क्यों क्यों आप यहाँ पे आए हो, क्यों आपको पसंद आते हैं, क्या करना चाहिए, कौन सा स्पेशलिटी है आपके अंदर, इंट्यूटिव कितना ज़्यादा हो, इंट्यूशंस क्या बोल रहे हैं, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, तभी तो जाके माँ आपको मदद करेंगे। अगर आप अपने लाइफ के क्यों ये नहीं हो रहा है, क्यों वो नहीं हो रहा है, क्यों ये नहीं हो रहा है, क्यों मेरे को ये नहीं मिल रहा है, अगर यही ढूंढते रहेंगे तो माँ कैसे मदद करेंगे। इसीलिए जब आप माँ के सामने आके बोलोगे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तू चाहिए, दैट्स इट, तभी तो माँ आएंगे। माँ बोलेंगे कि ठीक है तुमको मैं सलाह देके लेके आ रहा हूँ। ये जो स्पिरिचुअल पथ है ये बहुत कठिन पथ है, बट इस पथ में अगर आप बिलीव के साथ चल सकते हो, अगर आप डिवाइन को एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपके माता पिता सन डॉटर अपने लवर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सबको अगर आप काइंड ऑफ फेक दे के बोलोगे कि मेरे लिए यूनिवर्स से सब कुछ है, मेरे लिए माँ सब कुछ है, मेरे लिए अपना धर्म सब कुछ है, मेरे लिए मेरे सोल पर्पस सब कुछ है, तब जाके मिलता है काली कलमाशा नाशी, तब माँ आपको बोलेगा कि ठीक है तुम आओ और लोगों के लिए कुछ करो, ये धरती के लिए कुछ करो, अपने समाज के लिए कुछ करो, अपने जो भी छोटे छोटे पौधे हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज है उनके लिए कुछ करो। तो अनकंडीशनली आपको जीना होगा। ये अनकंडीशनल बनना उतना आसान नहीं है, मोक्ष मुक्ति उतना आसान नहीं है, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो अपने जो हैबिट्स है, अपने जो एंगर है, अपने जो गुस्सा है, इसको पहले आपको ख़त्म करना होगा, ईगो को ख़त्म करना होगा। रो घंटों भर, रो माँ के सामने आके गिरगिराओ कि क्या आपके अंदर खामियां हैं, क्या नेगेटिविटी है, कौन से चीज़ों को अभी भी आपको रिमूव करना है, कौन सी चीज़ आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप स्टक हो, इसको सोचो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आपके शरीर का मृत्यु हो सकता है, आपके सोल का नहीं। अपने सोल के बारे में सोचिए, शरीर के बारे में नहीं। अपने खुशियाँ जो है ये टेम्पररी है, जो दुख है वो टेम्पररी है, तो ज़्यादा खुशी मत हो जाओ। छोटे छोटे बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो मत हो जाओ, छोटे छोटे बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो मत हो जाओ। आप अपने इष्ट से मिलो, आप माँ से मिलो, आप प्रेयर करो, आप माँ के करीब आओ, एंड तभी जाके माँ आपको मोक्ष देंगे, रिडेम्पशन तभी आपको मिलेगा, तभी आपके सोल को मौका मिलेगा दूसरों के लिए कुछ करने का। एंड जब भी आप दूसरों के लिए कुछ करोगे, भले ही वो अनकंडीशनली क्यों ना हो, तब आप गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ खुद को ढूंढ पाओगे दूसरों के अंदर, और खुद के प्यार को ढूंढ पाओगे दूसरों के आंखों में। एंड उसी टाइम पे मैं हेवन एंड हेल के बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपके आत्मा जो है एक प्रॉपर हाई रिले में जाएंगे, उसको अगर आप हेवन बोल सकते हो यस, तो स्वर्ग में आप जाओगे। एंड डेफिनेटली इसीलिए जाओगे क्योंकि आप अपने धर्म को मान के चल रहे हो। धर्म मतलब सिर्फ ये रिलीजियन बात नहीं है, धर्म मतलब सिर्फ हिंदुइज्म या फिर मुस्लिम या फिर क्रिश्चियनिटी नहीं है, धर्म मतलब है आपके आत्मस्वरूप जो आपके अंदर छुपा है, इसको आपको जानना होगा। वेदा उपनिषद वेदांत इसके बारे में आपको सोचना होगा, तभी जाके मिलता है कली कलमाशा नाशिनी। ये बहुत डीप है, पर धीरे धीरे अगर आप समझोगे पढ़ोगे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी और क्या कार्ड आ रहे हैं, देखता हूँ। यस, विश्व माता माँ मतलब क्या है, जहाँ पे आप जा रहे हो विश्वास करो माँ आपको ठीक जगह पे लेके जा रहे हैं। विश्व माता मतलब क्या है, अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में ग्रो करे, फॉरगिव कर देना। ये मेटेरियलिस्टिक जो आप मान लो कि कोई आपके नुकसान पहुँचाया है, किसको नुकसान पहुँचाया है, आपको नुकसान पहुँचाया नहीं, आपके शरीर को नुकसान पहुँचाया है। क्यों नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आपने ही वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट किए थे, आपके अंदर के जो एक्सपेक्टेशंस वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट किए। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तब आप सोचते हो कि कोई आपके पैसा चुराएगा, सोचते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस है, अब सोचते हो कि कोई आपके पैसा चुराएगा। बट वही पैसा अगर 10 करोड़ हो जाता है, या 1 करोड़ हो जाता है, या फिर 100 रुपये हो जाता है, आपको आता है कि नहीं मेरे को ये सेव करके रखना है। तो मतलब आप शून्य, ये जो जीरो है इस पे आओ, आप बोलो मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं शून्य हूँ, जीरो। एंड तब माँ के सामने बोलो कि ठीक है अब मेरे को प्यार दे दो, अब मेरे से ये जो गुस्सा है, जो अहम बोध है, जो जो अमित्व है, जो स्पिरिचुअल
जो जो भी फॉल्स ईगो है, जो स्पिरिचुअल पथ में ब्लॉकेजेस लेके आ रहे हैं, उसको हटाने के लिए बोल दो, विश्व माता माँ आपको मदद करेंगे। जैसे कि एक चीज़ बोलता हूँ कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़े आदमी हो, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े स्कॉलर पर्सन हो, मान लीजिए आप एक सेलिब्रिटी हो और ये वीडियो देख रहे हो, और मान लीजिए आप कुछ भी नहीं हो, लाइक नॉर्मल पर्सन, आपको किसी को नहीं पता है, आपको ये सब कुछ भी नहीं पता है, बट चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, चाहे आप नॉर्मल पर्सन हो, हम सभी अपना काम ख़त्म करने के बाद सोते हैं, राइट? और जब हम सोते हैं तब हम किसके पास जाते हैं? निद्रा माँ के पास जाते हैं, एंड निद्रा माँ हम लोगों को गोद में ले लेते हैं और हम लोगों को सपने दिखाते हैं। वही है तो विश्व माता, काम करने के बाद जब आप सो रहे हो तब आप अपने सोल के पास जा रहे हो, और वो सोल आपको एक नए डायमेंशंस पे लेके जा रहे हैं, और वो डायमेंशंस में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सिमिलरली मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे हम सपने देखते हैं उस टाइम पे जैसे हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, इस टाइम पे भी सिर्फ आप कर्म करते जाओ, आप अपने कर्म करते जाओ, आप अपने शुद्ध बुद्धि के साथ, शुद्ध चित्त के साथ, यानी कि मन के साथ आप अनकंडीशनली काम करते जाओ, एंड आपको फल का चिंता नहीं करना है, ऑटोमेटिक माँ आपको वो फल दे देंगे। यस, जो भी हेल्थ इश्यूज आ रहा था, माइंड डिस्टर्ब हो अगर हो रहा था, एंग्जाइटी इशू आ रहा था, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। स्पेशली अगर कोई मेंस्ट्रुएशनल इशू हो रहा था तो हो जाएगा, इमोशन अगर बहुत स्ट्रांग था तो वो भी खत्म हो जाएगा, एक बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ। कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ काली 1111। मेरे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसका लिंक मैं हटा दिया हूँ क्योंकि बहुत स्कैमर्स ने ये सब किया, सो अभी आप लोग सर्च करोगे टैरो बाय अनिर्बन मुखर्जी, वहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे आप। एंड वहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश में वीडियो अपलोड करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी में वीडियो अपलोड करता हूँ। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन गो, एंड अगर आप मेरे को पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी जा सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी लाइव भी आने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसे ही स्माइल करते रहिए, माँ आपके पास, आप अकेले नहीं। ओके, ओम प्रीम दक्षिणा कालिकेतु।